उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। माई डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल लिसन टू अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय स्वामी। स्वामी कभी भी कोई भी काम प्लैंड वे में नहीं करता था। तो चलिए जानते हैं हाउ स्वामी चेंज्ड हिज बिहेवियर। द नेम ऑफ द स्टोरी इज स्वामी लर्न्स अ लेसन। स्वामी, स्वामी, गेट अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। ओ मॉम, प्लीज, बस 5 मिनट्स और। नो स्वामी, गेट अप क्विकली, यू विल मिस योर बस। ओ मॉम, आई डोंट लाइक टू गेट अप अर्ली, मुझे नहीं जाना रोज रोज स्कूल। दिस इज द लास्ट वार्निंग, गेट अप एंड टेक बाथ क्विकली। अब ब्रश करो। ओह, ये मैंने क्या किया, सारा पेस्ट गिरा दिया। ओह माय गॉड, व्हाट शुड आई डू नाउ। मैं जल्दी से इसे क्लीन कर देता हूँ, मम्मी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। लेट मी टेक अ क्विक शावर नाउ। ओह, व्हाट हैव आई डन। अरे, सोप तो पॉट में गिर गया। नो वरीज, मैं पानी से ही नहा लूंगा। यहाँ कौन सा मम्मा देख रही है। स्वामी, मेक इट फास्ट, टेक योर ब्रेकफास्ट। आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे रोज रोज ये दूध नहीं पीना। एंड मम्मा, आज टिफिन में मैगी देना, अदरवाइज आई विल नॉट टेक माई लंच। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो, यू डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग, दिस इज नॉट गुड। आई विल टेक मैगी ओनली। स्वामी, पैक योर बैग एंड रन फास्ट। जा रहा हूँ ना। As Swami enters the class, all children started laughing. What happened? Why are you all laughing? Ma'am, look at Swami's socks. What is this, Swami? Where are your school socks? Swami, firstly, you are late and also not in proper uniform. Swami, Twami, Wami, standing at the gate, wearing red and yellow socks, always late, always late. Don't shout, children, and don't make fun of anyone. You all sit quietly and take out your English book and read the poem. Once a little cloud floating in the sky lost its way and began to cry. It looked around with watery eyes. What about you, Swami? Ma'am, I have forgotten my English book at home. Swami, when will you learn to do your work properly? Sorry, ma'am. Swami kabhi nahi sudhrega. Swami, Twami, Vami. That day, when Swami returned home, he was very upset. What happened, Swami? Why are you so upset? Nothing really, Mom. I'm okay. उस पूरे दिन स्वामी अपसेट रहा। रात में जब वह सोने गया, उसे स्कूल की सुबह से लेकर रात तक की सारी बातें याद आ रही थी। स्वामी, स्वामी, वामी। वह बहुत बेचैन था,
यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अचानक तेज रोशनी हुई। स्वामी ओपन्स हिज आईज। देयर वॉज अ प्रिटी फेयरी इन वाइट ड्रेस होल्डिंग अ मैजिक वॉन्ड इन हर हैंड। स्वामी वॉज सरप्राइज्ड। हेलो स्वामी, वॉट इज रॉन्ग विद यू स्वामी? Why are you so upset? Can you do magic? Of course, I can do magic. Then you can help me. No one likes me. Everyone makes fun of me. और तो और मम्मा भी मुझे डांटती रहती हैं। Why, Swami? Mom says I cannot manage my things properly. Even mama scolds me for that. Oh, I see. चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। Come with me. I will show you my fairyland. Fairyland? That is so interesting. Dear fairy, how beautiful these flowers are. Yes, Swami. Have you ever noticed? सारे फूल एक निश्चित समय पर रोज खिलते हैं। Yes, you are right. फूल तो सुबह के समय ही खिलते हैं। Ouch, ants! Oh, oh! Be careful, Swami. Don't disturb the ants. Swami, have you ever observed the ants? How they move? Yes, I have noticed. वे एक सीधी लाइन में चलती हैं। Right, Swami. They are so disciplined. इन्हें कोई गाइड नहीं करता है। ये अपना सारा काम खुद ही बड़ी मेहनत से करती हैं। Yes, मैंने तो कभी इस बात को सोचा ही नहीं। Elephants? Yes, a herd of elephants. Dear fairy, why is the big elephant marching forefront? That's a good question, Swami. ऐसा इसलिए क्योंकि यह इस ग्रुप का eldest elephant है और बाकी elephants इसके instructions follow करते हैं। अगर ये इनके इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होएगा? Then they may get into trouble. कोई इन पर अटैक कर सकता है। Oh, I see. हमें अपने एल्डर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। Yes. Fairy, fairy, dear fairy, I have a wish. Yes, Swami. बोलो। What is your wish? मुझे भी आपके जैसे उड़ना है। बस इतनी सी बात। Let's move. Hurry! While flying in the sky. Hurrah! Dear fairy, see a flock of geese. Be careful, Swami. इनसे टकरा मत जाना। ओके, मैं ध्यान रखूंगा। But why are they flying in V shape? Swami, the geese always fly in a V shape. ऐसा इसलिए क्योंकि V shape में उड़ने से ये easily fly कर सकते हैं और अपने messages आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। I see. See, Swami, everything in nature is well planned. It is well designed. Har creature apna kaam ek disciplined way mein apne aap karta hai. Isiliye inke sare kaam samay par planned way mein ho jate hain. Udte udte wo dono thak gaye और एक नरम नरम क्लाउड के ऊपर लेट गए। स्वामी और फेयरी दोनों को नींद आ गई।
Suddenly, alarm rings. Swami wakes up. वो अपना सुंदर सपना, प्यारी परी और मम्मी की बातों को याद करता है. And he rushes towards the bathroom.